अगर आपने OMR सीट भरते समय दो गलतियां की हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी और आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ बच्चे होते हैं OMR सीट भरते समय एक ही प्रश्न का दो दो गोले तीन तीन गोले फिल कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं अपना नाम रोल नंबर ये सब गलत करके चले जाते हैं और कुछ बच्चे अपना बुकलेट संख्या लिखने को ही भूल जाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे पढ़े जो अपने पिता का नाम ही गलत करके चले जाते हैं जैसा कि ये। अब आकांक्षा सिंह जी, अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, फादर ने हम ही गलत कर दी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ये गलतियां की हैं तब भी आपकी कॉपी चेक होगी, लेकिन अगर आपने दो मेन गलतियां कर दी तो आपकी कॉपी कभी नहीं चेक होगी। अगर आपने एक ही प्रश्न का दो गोला फिल किया है फिर भी आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आपने एक ही प्रश्न का तीन गोला टिक किया फिर भी आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आपने किसी एक गोले में गलत उत्तर भर दिया उसके बाद उसको मिटाकर फिर दूसरे में भर दिया है फिर भी आपकी कॉपी चेक होगी। लेकिन अगर आपने अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत भरा है तो आपकी कॉपी कभी नहीं चेक होगी। अगर आपने बुकलेट संख्या ये गलत भर दिया है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। अगर आपने बुकलेट संख्या और अपना रोल नंबर दोनों ही बिल्कुल सही तरीके से फिल किया है तो आपकी कॉपी 100% चेक होगी और आपका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन अगर आपने बुकलेट संख्या और रोल नंबर गलत कर दिया या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी कॉपी नहीं चेक होगी और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और बाकी आपने जो भी गलतियाँ की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कॉपी जरूर चेक होगी। और आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा गलतियाँ ना करें। तो अगली बार से आप ध्यान रखें कि OMR सीट भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप उसके लिए कई सारे वीडियो आपके YouTube पर पड़े, आप YouTube से देख सकते हैं या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर हमें OMR सीट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपने ये सभी गलतियाँ नहीं की हैं, आपने दो गलतियाँ नहीं की हैं रोल नंबर और बुकलेट संख्या, तो आपकी कॉपी चेक होगी और आपका रिजल्ट भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपके सामने कटाप का वीडियो आ गया, आप चाहें तो कटाप देख सकते हैं या फिर नवोदय विद्यालय के 5 वर्षों के लगातार एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट कराए गए और इस बार एग्ज़ाम आपका कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में अगर आप सूचना चाहते हैं तो आपके सामने वीडियो आ गया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में नवोदय विद्यालय ने किन किन महीनों में अपना एग्ज़ाम रिजल्ट और एडमिट कार्ड जारी किया है, आप इसको देख सकते हैं।